हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो तेलों को मिलाकर एक ऐसा तेल बनाने को बताऊंगी। इस तेल के जरिए फ्रेंड्स, आप अपने बालों की सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हमारे बालों की लंबाई नहीं बढ़ पाती है और हम अनेक प्रयत्न करने के बाद भी अपने बालों के लिए कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं कि हमारे बालों की लंबाई कैसे बढ़ेगी, हमारे बालों की ग्रोथ कैसे होगी, हमारे बाल लंबे काले घने कैसे होंगे और हमारे बालों की जो सभी समस्याएं जैसे कि डैंड्रफ, सफ़ेदपन, दोमुहापन, बालों की जड़ों में खुजली की समस्या या बालों में कीड़ा लग जाना, कि ये सभी समस्याएं हमारे बालों से कैसे दूर होगी। इसके चलते आज मैं आपको जो नुस्खा बताऊंगी, इस नुस्खे से फ्रेंड्स आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आपको इससे कैसे छुटकारा पाना है, इसके लिए आपको सबसे पहले लेना होगा सिकाकाई पाउडर। इस तरह से आपको सिकाकाई पाउडर लेना है। आप किसी भी अच्छी कंपनी के सिकाकाई पाउडर का यूज़ कीजिए। ये आपको फ्रेंड्स पंसारी की दुकान पर अवेलेबल हो जाएगा। सिकाकाई पाउडर एक आयुर्वेदिक पाउडर होता है जो कि हमारे बालों को नुकसान नहीं देता और हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा और बढ़िया रहता है। आपको इसमें एक चम्मच सिकाकाई पाउडर ऐड करना होगा। इस तरह से आप एक चम्मच सिकाकाई पाउडर ऐड कर लीजिए। इसके बाद आप इसमें ऐड कीजिएगा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के बारे में तो आप जानते ही हैं कि हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है। इसमें विटामिन ए पाया जाता है और ये हमारे बालों की जड़ों को तेजी से पोषण देकर हमारे बालों की लंबाई को तेजी से बढ़ाने का कार्य करता है। आपको इसमें 3 चम्मच नारियल तेल ऐड करने होंगे। इसके बाद आप इसमें ऐड कीजिएगा आंवला तेल। आंवला तेल भी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे बालों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने का कार्य करता है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो कि हमारे बालों में विटामिन सी की कमी को दूर करता है। सर में खुजली की समस्या, डैंड्रफ की समस्या या बालों में कीड़ा लग जाना, इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने का कार्य करता है। इसके बाद आपको इसमें आधे कटे नींबू का रस ऐड करना होगा। नींबू का रस भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नींबू हमारे बालों की जड़ों में मजबूती लाकर बालों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने का कार्य करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो कि बालों की लंबाई के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिएगा। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स आपको इसे फूलने के लिए 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना होगा। जब ये अच्छे से फूल जाएगा तो आपको इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना होगा। बालों की जड़ों में लगाकर 10 मिनट की मसाज दीजिए और इसके बाद पूरे बालों में इसे लगा लीजिएगा। 1 घंटा अपने बालों में इसे लगा रहने दें। उसके बाद आप अपने बालों में शैम्पू कर लीजिएगा। इस नुस्खे को आपको वीक में 1 बार यूज़ करना है और लगातार 1 महीने तक यूज़ करना है। ऐसा करने से आपके बालों की सभी समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और आपके बालों की लंबाई तेज़ी से बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इसका यूज़ कीजिए और अपने बालों की सभी समस्याओं से छुटकारा पाइए। तो ये था आज का मेरा नुस्खा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।